उत्तर प्रदेश का रण धारदार होता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। गठबंधनों का दौर चल रहा है। कांग्रेस की बागी नेता अदिति सिंह और बसपा से निष्कासित विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हुई, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। साथ ही कृष्णा पटेल वाली अपना दल पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सबसे अहम गठबंधन माना जा रहा है सपा का रालोद अध्यक्ष जयचंद्र चौधरी से। गठबंधन वाली राजनीति हर दौर में होती रही है, हमेशा की तरह इस बार भी कोशिश की जा रही है कि छोटी पार्टियों के सहारे कहीं वोट काटे जाएं तो कहीं वोट बनाए जाएं। लेकिन इस बार मामला पिछले चुनाव की तरह गठबंधन का नहीं है। इस बार जो बीजेपी के खिलाफ हैं, पिछले चुनाव में वो बीजेपी के साथ थे। चुनावी दंगल में सियासी दिग्गजों ने भर दी है हुंकार। चुनावी अखाड़ा 2022 के लिए पूरी तरह है तैयार। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। यूपी की राजनीति में गठबंधन का बड़ा रोल होता है। हर कोई बड़ा दल छोटे दलों से गठबंधन करना चाहता है, क्योंकि बड़े दलों को पता है कि आखिर क्या होती है गठबंधन की राजनीति। यूपी के रण में अपना दम दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी दमखम से लगी हुई है। अखिलेश यादव से अपना दल कैमरावादी की कृष्णा पटेल ने मुलाकात की और गठबंधन की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर सियासी पारे को और गर्म कर दिया। और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी सपा से गठबंधन की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ दल बदल का खेल भी जारी है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी को झटका देते हुए अदिति सिंह और अंजना सिंह को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। अब सवाल है, चुनावी मौसम में गठबंधन जरूरी है या फिर मजबूरी? बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। यूपी में शुरू हुआ गठबंधन का सिलसिला, छोटे दलों की हर किसी की जरूरत, कौन किसके पाले में, किसकी बनेगी 22 में बात, किसको सियासी फायदा किसको नुकसान, ये गठबंधन की राजनीति है। यूपी के रण में अब गठबंधन का सिलसिला शुरू हो गया है। हर कोई छोटे दल बड़े दलों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत भाजपा के साथ की थी और राजभर को अपने पाले में लिया, फिर उन्होंने रैली भी की और अपना दमखम दिखाया। भाजपा के बाद आरएलडी से शुरू हुआ मेल मिलाप का सिलसिला, दोनों ही दल के नेता मंगलवार को कई घंटे बातचीत की और लगभग दोनों ही दलों के बीच बात भी बन गई और कुछ सीटों पर दोनों ही दलों के बीच पेच भी फंसा हुआ है, वो भी एक दो दिन में दूर हो जाएगा। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सपा के दूसरे दलों से गठबंधन की, तो अखिलेश यादव से अपना दल कैमरावादी के प्रमुख कृष्णा पटेल से गठबंधन की बात की है। बस महज औपचारिकता ही बाकी है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि विचार एक है, तभी सपा से गठबंधन कर रहे हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो 22 करण आप भी पूरे दमखम से लड़ रही है। आप प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मिलकर यूपी का सियासी पारा गर्म कर दिया है, हालांकि वो खुलकर गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। समान मुद्दों पर कुछ बातचीत की शुरुआत हुई है और जब इसको गठबंधन का स्वरूप मिलेगा या अंतिम रूप से कोई बातचीत होगी तो उसकी जानकारी जरूर देंगे। अभी सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तो मैंने जैसा आपको बताया कुछ कॉमन एजेंडे के ऊपर बातचीत हुई है। देखिए, बीजेपी खुद हवा हो जाएगी, चुनाव आ चुका है और अब आप देखिएगा 2-3 महीने के बाद जो चुनाव होगा तो बीजेपी हवा हो जाएगी अपने आप, उत्तर प्रदेश की जनता उनको हवा कर देगी। अब बात करते हैं छोटे दलों की, तो ओवैसी की पार्टी AIMIM और शिवपाल यादव की प्रसपा की, तो दोनों दलों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही गठबंधन की बात बोल चुके हैं, लेकिन शिवपाल ने अभी हरी झंडी नहीं दी है।
तो ओवैसी को चुनावी मैदान में कोई दल नहीं मिल रहा है। गठबंधन के लिए इसीलिए वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। तो वहीं जोड़ तोड़ में माहिर बीजेपी ने बीएसपी और कांग्रेस को झटका देते हुए अदिति सिंह और वंदना सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। अब सवाल ये भी है कि चुनावी मौसम में पाला बदलना क्या नजरिया बदलेगा। हमारी लोकप्रिय विधायिका, पहली बार दो दो महिलाएं या लड़कियां के महिलाएं के जो भी कहिए, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। एक अखिलेश डिंपल को टक्कर देने के लिए आजमगढ़, एक सोनिया प्रियंका, और दोनों पहले लोकप्रिय अपने अपने क्षेत्र में दलित शोषित के बीच में काम करती हैं। ये दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनके विचारों से और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, गरीब का ध्यान देने के लिए और गरीब का विकास करने के लिए 2022 की प्रबल प्रचंड जीत के लिए ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण और ज्वाइन किया है। मैं अदिति जी को और वंदना जी को हृदय से स्वागत करता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते। अब सवाल यही है कि 22 के रण में सत्ता हासिल करने के लिए सभी बड़े दल छोटे दलों के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर छोटे दलों से गठबंधन बड़े दलों की सियासी मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरएसएस और बीजेपी में मैराथन मंथन शुरू हो गया है और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ से लेकर सारे दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। क्या है बीजेपी की रणनीति दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चहुंमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीनू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड हैं हम। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चलो यहाँ पर मुझे मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा।
एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें, बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर स्वागत है आपका। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भाजपा और आरएसएस के बीच कई दिनों से चल रही मैराथन बैठकों का निचोड़ सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश का सियासी किला बचाने के लिए भाजपा और संघ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर मोहर लगाई जा चुकी है। हालांकि इसके साथ ही जातिगत समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए भाजपा के चालक कहे जाने वाले अमित शाह के गैर यादव ओबीसी फार्मूले को साधने की कवायद भी तेज कर दी गई है। सपा अपने आप को मुख्य विपक्षी दल बता रहा है, क्या है आगे की सियासी गणित बताएंगी इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। अब बात कर रहे हैं गठबंधन की। यूपी में इन दिनों गठबंधन की बहार आ गई है। हर कोई बड़ा दल छोटे दलों से गठबंधन करने की फिराक में जुटा हुआ है ताकि जातिगत समीकरण को देखते हुए वोटरों को अपने पाले में किया जा सके। अब सवाल यही है कि क्या छोटे दलों से गठबंधन कर मिलेगी सत्ता, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सियासी हलकों में इस चर्चा ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है कि अगले साल का यूपी विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी होना तय है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई को देखते हुए कांग्रेस और वाम दलों ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरेंडर कर दिया था, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति कांग्रेस और बसपा के सामने भी आ सकती है, जिसकी वजह से इन राजनीतिक दलों को मजबूरन समाजवादी पार्टी के नाम पर चुप्पी साधनी पड़ सकती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2017 और 2019 में गठबंधन का सारा गणित पढ़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनका ध्यान यूपी की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले छोटे राजनीतिक दलों की ओर ही होगा। इन दलों में से कुछ बीते चुनाव में भाजपा की योगी सरकार के साथ थे, सपा गठबंधन में बड़े दलों को जगह नहीं देगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ भी संबंधों को सुधारने की कवायद में लगे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल एक होते हैं तो भाजपा को लोगों के बीच सहानुभूति बटोरने का एक और मौका मिल सकता है। भाजपा ये कहने में बिल्कुल भी नहीं चूकेगी कि सत्ता पाने की लालसा में ये सभी दल एक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 लोकसभा चुनाव वाली भाषा में कहें तो महामिलावटी गठबंधन हुआ है। वैसे बीते दोनों चुनाव में क्रमशः कांग्रेस और बसपा से मिले कटु अनुभवों के साथ ही राजनीतिक नुकसान झेलने के बाद शायद अखिलेश यादव ऐसे किसी गठबंधन के बारे में सोचेंगे भी। गठबंधन से इधर बात करें तो यूपी में चुनाव लड़ने के लिहाज से फिलहाल एक्टिव संगठन सपा के ही पास नजर आता है। कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन के दौरान सपा ने इन पार्टियों में जमीनी कार्यकर्ताओं में बड़ी सेंध लगाई थी। कहना गलत नहीं होगा कि बसपा और कांग्रेस से बाहर होने वाले ज्यादातर नेताओं की शरण स्थली के तौर पर सपा सबसे आगे है। वहीं 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस के पास न संगठन है न कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यूपी संभालती नजर आती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनाव नजदीक आते ही गठबंधन की बयार चलने लगी है। हर छोटी पार्टी सपा की साइकिल से चुंबक की तरह चिपकती जा रही है। वैसे में आम आदमी पार्टी भी गठबंधन की फिराक में है, क्या होगी इसके बाद तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं
की न्यूज खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस मास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। सुबह के लिए उड़ चला पर खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इस बार के चुनाव कई राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो कि इस चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दावा कर रही है, उसके मुखिया अखिलेश यादव आरएलडी से गठबंधन कर चुके हैं। अब कयास लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। क्या है पूरी सियासी रणनीति, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव लगातार वादे और बड़ी घोषणाएं कर सत्ता में वापस आने के लिए प्रयासरत हैं और किसी भी ऐसे मौके को नहीं छोड़ रहे जिसको लेकर विपक्ष पर हावी हुआ जा सके। अब किसानों के जख्मों पर मलहम लगाकर उनके साथ हमदर्दी पेश करने वाले अखिलेश ने सरकार बनने पर मृतक किसानों के परिजनों को 25 लाख रूपए देने का ऐलान कर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। देखिए अखिलेश की इस पॉलिटिक्स से पार्टी का क्या फायदा होने वाला है। अखिलेश यादव का किसानों को लेकर दिया गया ये बयान वर्तमान राजनीतिक नजरिए से काफी मायने रखता है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। 3 कृषि कानून को लेकर विदेश से माफी मांग चुके हैं। इसके बाद से ही किसान नेता राकेश टिकैत बीते एक साल से चल रहे किसान आंदोलन में
जान गंवाने वाले 750 आंदोलनरत किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने के साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की बात कह रहे हैं। अखिलेश का सियासी दांव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान। मृतक किसानों के परिजनों को 25 लाख। अखिलेश के ऐलान ने बढ़ाई सियासी गर्मी। आंदोलन के शहीदों के परिवारों को 25 लाख। किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी। अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं वायदे और घोषणाएं। सत्ता वापस पाने के लिए अखिलेश प्रयासरत। अब किसानों के जख्मों पर लगाया मरहम। राजनीतिक नजरिए से मायने रखता है अखिलेश का बयान। केंद्र ने भी पीछे खींच लिए हैं अपने कदम। कृषि कानूनों को लेकर पीएम देश से मांग चुके हैं माफी। अखिलेश यादव ने बुधवार को एक ट्वीट कर वायदा किया, किसान का जीवन अनमोल होता है, जीवन के लिए किसान अन्न उगाता है, हम वचन देते हैं शहीदों को 25 लाख देंगे। हालांकि राकेश टिकैत की इस मांग पर केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, मगर इन हालातों में अखिलेश यादव ने बुधवार को एक ट्वीट कर वायदा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, किसानों का जीवन अनमोल होता है क्योंकि वे अन्न के जीवन के लिए अन्न उगाता है, हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि देंगे। किसान आंदोलन कर रहे किसानों का वोट बैंक पाने के लिए हर दल के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी इसी कारण से विवादित कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। अब देखना यह है कि इस मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस ट्वीट का आंदोलन पर अड़े किसानों और उनके परिजनों को वोट पर क्या असर डालता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और फिलहाल चुनावी अखाड़ा में आज फिलहाल इतना ही, कल रात 9:30 फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही सियासत भरी खबरों को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।